हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 25 जून, तो देखेंगे करंट अफेयर हम 15 से लेकर 25 जून तक। और देखो को जो कोविड-19 कोरोना से रिलेटेड केस होंगे ना, वो डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। इतना लंबा गैप होने का रीज़न ये है कि थोड़ी सी फैमिली में इशूज़ चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हो गई है अभी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बट होप्स हो कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, ऊपर वाले से यही दुआ है। चलिए आप लोग का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जिनको बुक्स वगैरह मंगाना होगा दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए नीचे, आपको यहाँ पे सारी किताबों की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और जिनको हमारा वीडियो पैक लेना होगा दोस्तों, आप डायरेक्टली वीडियो पैक ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपको वीडियो पैक चाहिए, ठीक है, चाहे आपको सी सेट चाहिए, एनसीईआरटी चाहिए, पॉलिटी चाहिए, हिस्ट्री चाहिए, एसी चाहिए, कोई भी कोर्स चाहिए, तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे वेरियस कॉम्बो पैक है, जो कॉम्बो में लेते तो आपको और थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, ठीक है। तो आपको लेना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट मेथड मैंने बता रखा है इसी नंबर पर हमारा, 8840385335 पे हमारा पेटीएम, फ़ोनपे, भीम, यूपीआई, सब कुछ इसी नंबर पे है, ठीक है। तो आपका करना क्या है, आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नाम और मोबाइल नंबर हमें इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है, पेमेंट के बाद। और आप चाहे तो हमें अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट भी कर सकते हैं। करंट अफेयर की बात करें तो बेसिकली कोरोना केसेस की बात करें दोस्तों, 4,60,000 के आसपास केसेस पहुँच चुके हैं, ठीक है। बेसिकली अगर इसमें देखो हम बात करें तो अभी जो सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट उभर रहा है वो दिल्ली उभर रहा है, ठीक है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस होने वाले हैं। बेसिकली अगर बात करें तो जैसे पहले देखो मुंबई था, अब मुंबई धीरे धीरे मुंबई में केसेस आ ही रहे हैं, बट दिल्ली मुंबई तो ऐसे सिटीज़ है दोस्तों, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जहाँ पे कोरोना की स्थिति सबसे भयावह होती जा रही है। और दिल्ली इस समय सबसे ज़्यादा उभरता हुआ हॉटस्पॉट हो रहा है, सबसे बड़ा। इवन अगर मुखर्जी नगर, जहाँ आप लोग कोचिंग करते हैं, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, सारे प्लेसेस की बात करें, तो यहाँ पर डेली लगभग 10 से 15 केसेस तो डेली आ रहे हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा यार, आप करोल बाग रह रहे हो या मुखर्जी नगर रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे फंसे हुए हैं तो घर निकल जाए तो थोड़ा ज़्यादा सेफ है, क्योंकि गाँव में ज़्यादा सुरक्षा है इन कम्पेयर टू सिटीज़, राइट। तो आप तो एक तो घर निकल जाइए, दूसरा ये कि दिल्ली अगर अभी कोशिश करिए कम से कम 3 से 4 महीने ना जाने का, कोशिश करिए 3 से 4 महीने ना जाने का दिल्ली कोशिश करिए दोस्तों, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे मेरे से कह रहे थे सर आपके करंट अफेयर कोर्सेज हैं, बाकी बाकी अदर कोर्सेज, तो देखो दोस्तों मैं खुद दिल्ली से बाहर हूँ अभी, तो होपफुली मैं 1 जून तक, हो सकता है 1 जुलाई तक दिल्ली पहुँच जाऊँ, ठीक है। तो आपके जो वेरियस कोर्सेज अभी रह गए हैं, आने बाकी रह गए हैं, वो सारे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखो आपके एग्जाम पॉइंट वाइज क्या इंपॉर्टेंट है इसमें ये याद रखिएगा, तो इसमें एक तो WHO के बारे में आपको याद रखना है, WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ये याद रखना है। 194 मेंबर कंट्री है, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, अंतर सरकारी संगठन है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब बेसिकली क्या होता है कि इसमें देखो सरकारी लोग बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं, इसका मतलब ये समझ लो आप, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे भी हम 7 अप्रैल को मनाते हैं, क्यों मनाते हैं 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 से ही WHO ने अपना कार्य करना चालू किया था, ठीक है। WHO कुछ रिपोर्ट निकालता है, ये याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ स्टेटिक्स रिपोर्ट, एम्बियंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट, ठीक है, और इसके बाद ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। अब कोरोना फैला कहाँ से था, तो वुहान सिटी, याद रखिएगा। वुहान सिटी कौन सी नदी किनारे है, यांगसी रिवर किनारे है। तो ये बेसिक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा आप, ठीक है। माउंट मेरापी, अब देखो माउंट मेरापी बेसिकली यहाँ पे ज्वालामुखी का दो दो बार उद्गार हुआ, इसलिए वहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि सबसे पहले तो ये पूछा जाता है माउंट मेरापी है क्या पे, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको ये बन जाता है कि माउंट मेरापी कहाँ पे है। तो आप कहोगे माउंट मेरापी दोस्तों इंडोनेशिया में है, आप ऐसा कह दोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा माउंट मेरापी क्या है, तो सबसे पहले तो ये आएगा माउंट मेरापी क्या है, तो एक ज्वालामुखी है बेसिकली, याद रखिएगा, ठीक है। एक क्या है, ज्वालामुखी है ये, ठीक है, वोल्केनो है बेसिकली, ठीक, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। देखो इसमें कितने तरीके से क्वेश्चन इससे बन सकता है, यूपीएससी से मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि माउंट मेरापी क्या है, ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये ज्वालामुखी शांत है या सक्रिय है, ठीक है। तो ये आपको पता है क्या, ये सक्रिय है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, याद रखिएगा, एक्टिव वोल्केनो है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली याद रखेंगे, आपके एग्जाम बोर्ड दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा, माउंट मेरापी कहाँ पे है, तो ये बेसिकली ये हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में भी कौन से द्वीप पे है, तो जावा द्वीप पे है, ठीक है, तो बेसिकली याद रखिएगा। तो इतने क्वेश्चन आपसे इंडोनेशिया से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आप जितने भी इनके हैं, सुमात्रा है, सुंडा स्टेट है, ये सारी चीज़ें आपको जस्ट मैपिंग में पूरा करना चाहिए वैसे तो बेसिकली, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, देखो मेरा तरीका ये होता है कि अगर किसी देश की चर्चा हो रही है ना, तो उस देश का पूरा पोस्टमार्टम ही कर दो। पोस्टमार्टम का बेसिकली मतलब क्या है कि पूरा इस देश को चीड़ फाड़ के जितना भी चीज़ें बनती हैं यहाँ से क्वेश्चन, सारे एक साथ ही एक ही जगह पर रख लिख लो, एक ही जगह नोट्स बना लो, कि दोबारा से आपको कहीं से फिर से इसके बारे में आए तो आपको पता रहे पहले से कि अरे ये चीज़ तो मैंने अपने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे समय समय मैग्मा निकलता रहता है। सक्रिय का मतलब क्या होता है बेसिकली, ठीक है, तो सक्रिय का मतलब होता है कि समय समय पर इसके अंदर से क्या होता है, जैसे ज्वालामुखी होती है, इसके अंदर से मैग्मा निकलता रहता है बेसिकली, ये होता है। एक सुसुप्त होता है, जिसको शांत हो चुका होता है, तो बेसिकली इसमें मैग्मा नहीं निकलता है। ज्वालामुखी तो
होती है बट उसमें से मैग्मा निकलता है, बेसिकली ये होता है। ठीक है, तो इसे लिपारी द्वीप है, द्वीप समूह है इटली में। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, उद्गार होता रहता है ये इटली में। तो आपसे ये पूछा था लिपारी द्वीप समूह कहाँ पे है, तो याद रखेंगे कहाँ पे है, इटली में है। तो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रेसिना ग्लेशियर। प्रेसिना ग्लेशियर चर्चा में क्यों है दोस्तों, बेसिकली क्या है कि यहाँ पे दोस्तों 1 लाख वर्ग मीटर के आसपास में दोस्तों इसमें तिरपाल बिछाया जा रहा है। जो तिरपाल का मतलब बेसिकली आप लोग नॉर्मली जानते होंगे, जो सीट होती है एक व्हाइट कलर की सीट इस पर बिछाई जाती है। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है कि इनका ग्लेशियर बहुत जल्दी से पिघलता है, तो पिघलने से इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, इसके ऊपर सीट बिछाई जाती है। कैसी होती है सीट अभी जैसे देखेंगे हम। तो देखो, एक तो क्वेश्चन आपसे ये बनेगा प्रेसिना ग्लेशियर कहाँ पे है। ठीक है, तो ये इटली में है, याद रखेंगे आप। ट्रेनिटो और आपका लोम्बार्डी क्षेत्रों में अवस्थित है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बस एक क्वेश्चन याद रखें, इटली में है आपका प्रेसिना ग्लेशियर। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रेसिना ग्लेशियर कहाँ पे है, तो आप याद रखेंगे ठीक है इटली में है। किस माउंटेन का पार्ट है, तो याद रखेंगे आपका ये प्रेसनेल्ला माउंटेन का पार्ट है। तो ये बेसिकली याद रखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखिए कैसे ये लोग करते हैं, ये व्हाइट शीट देख रहे हो आप, तो देखो ये पत्थर है, ये आपके क्या है, बर्फ है बेसिकली। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, तो ये तो आपके रॉक्स हैं। ठीक, ये आपके रॉक्स है सारे, ये आपके बर्फ है, आइस है, राइट। अब इसको ये लोग बचाने के लिए क्या करते हैं, बेसिकली इसके ऊपर से ऐसे ये देख रहे हो, ये सब ये चादर से बिछा रखा है इन्होंने पूरा, ये क्या करते हैं पूरा ढक देते हैं, धीरे 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 करके क्या करते हैं इसको पूरा ढक देते हैं, जिससे कि क्या हो, इसकी बर्फ ना पिघले, ग्लेशियर पिघले ना। ठीक है, बेसिकली इसके लिए किया जाता है। आपको मैं और तरीका दिखा रहा हूँ, देखिए। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, मशीन से पूरे बर्फ बर्फ को प्लेन किया जाता है, उसके बाद इसको एक सफेद चादर से सबसे सफेद पट्टी से ढक दिया जाता है। आप सफेद पट्टी है क्यों, देखो दो रीजन बताता हूँ, अगर आपने साइंस में थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो मैं बता देता हूँ। एक कलर होता है ब्लैक, एक कलर होता है व्हाइट, बेसिकली लोग कहते हैं कलर होता है बट एक कलरलेस होते हैं बेसिकली। देखो होता क्या है कि आपने बिबग्योर सुना होगा, ठीक है, तो बिबग्योर का मतलब बेसिकली क्या होता है, अपने अगर आपने लिखा होगा ऐसे बिबग्योर लिखते हैं, राइट। ये आपका इंद्रधनुष के 7 रंगों में से होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यही 7 कलर होते हैं। यही 7 तो कलर कॉम्बिनेशन मिला के अलग अलग कलर पड़ते हैं। तो होता है क्या, ब्लैक कलर क्या करता है, इन सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब अगर सूर्य की किरणें आएंगी तो यहाँ पे समा जाती है इसके अंदर आके। तो आप देखते होंगे गर्मी के समय में कहा जाता है कि काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि गर्मी ज्यादा लगती है। क्यों, क्योंकि ये सारे कलर जो प्रकाश के रूप में आते हैं, ठीक है, सूर्य की रोशनी के रूप में, ये सारे के सारे ब्लैक कलर क्या करता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। ठीक है, जबकि व्हाइट का मतलब बेसिकली क्या हो जाता है, व्हाइट का मतलब होता है ये सातों के सातों कलर क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है, आएगा वापस चला जाएगा, बेसिकली ये आपका एब्जॉर्ब नहीं करता है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो व्हाइट कलर क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं करता। तो व्हाइट इसीलिए हो जाता है क्योंकि कोई कलर लेता ही नहीं है, इसी वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। तो जब अगर आप कभी दीवार व्हाइट देखें तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, उस पर कोई भी कलर पड़ेगा तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए हमें क्या करता है, उस रंगहीन हो जाता है। रंगहीन का मतलब व्हाइट हो जाता है, बेसिकली ये होता है। मतलब अगर साइंस में पढ़ेंगे तो बहुत डीप में चले जाएंगे, तो बेसिकली इसीलिए हम क्या करते हैं, इस पर व्हाइट कलर का यूज करते हैं। तो आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, सर इस पर व्हाइट कलर क्यों यूज किया, रेड कलर क्यों नहीं यूज किया, ब्लैक कलर क्यों यूज नहीं किया। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके लैम्डा तरंग दैर्ध्य की वजह से बेसिकली होता है ये सारी चीजें, तो ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं सारे कलर्स को। तो ये गर्म कम होगा, जब गर्म कम होगा तो बर्फ पिघलेंगे कम। हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, हम अपने बर्फ को पिघलने से बचाना ही तो चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, गोल्डन लंगूर की बात करें दोस्तों। तो गोल्डन लंगूर देखो, अगर बात करें तो यह केवल असम और भूटान में ही पाई जाती है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए गोल्डन लंगूर कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिए कि भारत और भूटान राज्यों में पाई जाती है, बेसिकली भारत के असम राज्यों में पाई जाती है गोल्डन लंगूर। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन में बन सकता है, तो याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होता है। होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक शॉक की वजह से क्या हुआ कि गोल्डन लंगूर था, उसकी गर्भपात की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा चर्चा में है। ठीक है, तो ये अगर बात करें तो असम राज्य, जो अपना भारत का असम राज्य, वहां पे पाया जाता है और भूटान में पाया जाता है बेसिकली। तो याद रखिएगा, ये अर्ध सदाबहार और मिश्रित पर्णपाती वनों में बेसिकली पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। नर्विलिया सिंगापोरेसिस, अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो बेसिकली ये एक फूल का मतलब एक फूल की प्रजाति है बेसिकली, लेकिन ये फूलता नहीं है। देख, मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक ऐसा फूल है दोस्तों जो खुल मतलब फूल जैसा होता है, ये खिलता भी नहीं है। ठीक है, और स्व परागण करता है। ठीक है, स्व परागण का मतलब बेसिकली होता है कि सेल्फ से ही सारे रिप्रोडक्शन वगैरह सब कुछ खुद से कर लेता है, सेल्फ पॉलिनेट करता है। ठीक है, तो बेसिक टर्म्स याद रखिएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये आत्म परागण या सेल्फ परागण करता है, ये जो आपका पौधा है इसका नाम क्या है, तो बस ये नाम याद रखिएगा, नेविलिया सिंगापोरेसिस। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पाया गया ये, बेसिकली बुटिक तिमार नेचर रिजर्व है, कहाँ पे, सिंगापुर में। तो आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अद्वितीय फूल के आकार का होता है। ठीक है, इसकी नुकीला होता है, फूल की तरह दिखता है लेकिन खुलता नहीं है कभी, ये जिस मैंने आपको सारी चीजें
बता दिया। तो बुटीक थीम, देखो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। एक तो ये कि जो आपका नेरविलिया सिंगापोरेसिस है, ठीक है, एक तो ये सेल्फ पॉलिनेट करता है, एक क्वेश्चन आपसे ये बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि कहाँ पे पाया गया, अभी हाल ही में चर्चा बना कहाँ पे पाया गया। तो तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा बुटीक तिमा नेचर रिजर्व कहाँ पे है, तो आपसे ये क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखें जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। हॉग बैडर की बात करें, बेसिकली बैजर बोलते हैं, हॉग बैजर की बात करें दोस्तों, तो ये त्रिपुरा राज्य में एक्चुअली क्या है कि तीन शावक हैं, ठीक है, जिन्हें शिफ्ट किया जा रहा है कहाँ पे, सिपाही जिला वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, सिपाही जिला वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो सिपाही जिला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो याद रखेंगे त्रिपुरा में है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें स्थानांतरित किया जा रहा है, तो बेसिकली ये आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्या है, देखो एक तो ये है कि हॉग ब्रेजर किधर पाया जाता है, तो आपने पूछेगा तो नॉर्थ ईस्ट बोल दोगे पहली चीज़। दूसरा ये कि सिपाही जिला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा सिपाही जिला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये प्लीज़ आप याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप ये नाम याद रखिएगा। और ये IUCN की रेड लिस्ट में दोस्तों वल्नरेबल कैटेगरी में है, ठीक है, असुरक्षित प्रजाति में बेसिकली इसको सूचीबद्ध किया गया है, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नॉर्थ ईस्ट की चर्चा हो रही, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट को देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो नॉर्थ ईस्ट आपको जस्ट ये जितने भी है ना, सेवन सिस्टर प्लस वन हम बेसिकली इसको बोलते हैं, ठीक है। और अभी हम चर्चा किसी कर रहे थे, त्रिपुरा ही कर रहे थे। त्रिपुरा कहाँ पे, देखो त्रिपुरा यहाँ है, इसकी कैपिटल अगरतला है। अब मैं कहता हूँ कि सीक्वेंस से याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो देखो सबसे, हाँ एक चीज और याद रखिएगा, आपसे अगर राज्य पूछे तो देखो ईस्ट में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आता है, वेस्ट में गुजरात आ जाता है, इधर नॉर्थ में आपका राज्य की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश आएगा, वैसे लद्दाख आ जाता है, और इधर आपका आएगा तमिलनाडु, अगर सबसे साउथ मोस्ट पूछ देगा तो अंडमान निकोबार आ जाएगा, ठीक है। मेनलैंड का पूछेगा तो आपका तमिलनाडु आ जाएगा। आप कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल में देखो साउथ में केरला की कैपिटल आती है तिरुवनंतपुरम, तो ये आती है, याद रखिएगा कि राज्य आता है तमिलनाडु, लेकिन केरला की कैपिटल जो होती है वो तिरुवनंतपुरम आ जाती है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट में थोड़ा सा रिलेवेंट भी है, तो याद रखेंगे। उसके बाद इधर आ जाता है गुजरात, गांधीनगर, ठीक है। इसके बाद ऊपर देखोगे तो अगर लद्दाख की तो लेह आ जाती है, ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर की आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और आपका ये आ जाता है, लेकिन राज्यों की बात करें तो शिमला, ठीक है, शिमला एक ऐसी कैपिटल है जो आपका सबसे नॉर्थ मोस्ट हो जाएगा। तो यानी नॉर्थ में ये हो जाएगा, साउथ में आपका तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, और ईस्ट में देखोगे तो आपकी कोहिमा हो जाएगी। तो बेसिकली याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये देखेगा, ये रहा आपका कोहिमा। तो ये कैपिटल की बात करेंगे तो कोहिमा सबसे जो है पूर्वी साइड का कैपिटल है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। और अगर राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, तो याद रखेंगे आप अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, मेघालय, आसाम और सिक्किम, ठीक है। सेवन सिस्टर प्लस वन बोलते हैं हम, ठीक है, सात बहनों के नाम से जानते हैं नॉर्थ ईस्ट को। तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फॉल, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय शिलोंग, असम दिसपुर, सिक्किम गंगटोक। बेसिकली ये चीजें आपको याद रखें जो आपके एग्जाम पॉइंट में थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों मैगला नोडान बैंकॉक सेन, ठीक है। अगर इसकी बात करें, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, वैसे मैं बोल दे रहा हूँ फिर से एक बार, मैगला डोनाल्ड नोडान है, सॉरी सॉरी नोडान है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये वर्ड्स मिसिंग है, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, मैगला नोडोन बाई कासेक्स, ठीक है। तो बस बेसिकली याद रखिएगा, ठीक है, बाई बैकास स्केनके, ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अजीब सा हो जा रहा है, ठीक है, मैंने पढ़ा भी नहीं पहले इसको, कोई नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा मैगला नोडान, ठीक है, मैगला नोडान के नाम से याद रखिएगा बेसिकली, ठीक है। अगर इसको अगर तोड़ के पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं बैका स्केनके, ठीक है, तो बैका स्केनके भी पढ़ सकते हैं इसको आराम से। तो अगर तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो आराम से पढ़ लोगे, जैसे मैगला नोडान बैका स्कैन के, तो ऐसे आप करके पढ़ सकते हो, ठीक है। बट ठीक है, उतना हमें एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट क्या है हम वो देखते हैं बेसिकली, ठीक है। हुआ क्या है कि देखो चिली और आपका अर्जेंटीना, तो इसमें पैटागोनिया का पठार पाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली एक इस यहाँ पे एक स्तनधारी पाया गया है। देखो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि UPSC ने 2019 का प्रीलिम्स देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है। डोमी सोवन के बारे में पूछा था, अगर आपको याद हो तो, डोमी सोवन के बारे में पूछा था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मैगला डोनाल जो है, नोडान शायद डोनान डोनान बार बार एक्चुअली मैकडोनाल्ड की वजह से बार बार ये प्रोनाउंसिएट हो जा रहा है, मैगला नोडान, ठीक है, मैगला नोडान जो है बैका स्किन बैक बैका स्नेक इस
बैका स्कैन के, ठीक है, बैका स्कैन के। तो बेसिकली अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो एक स्तनधारी जीव है जिसका अवशेष का पता लगाया गया है और जो लगभग 54 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर निवास करता था। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो आपका मैगला नोडान है बेसिकली वो कहाँ पाया गया, तो याद रखिए पैटागोनिया के पठारों में इसके अवशेष मिले हैं। और ये पैटागोनिया के पठार कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में, तो ये बेसिकली याद रखिएगा। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है चिले का, तो बेसिकली डायनासोर की प्रजाति का एक जानवर है बेसिकली ये कहा जाता है। तो आप ये याद रखिए जो आपके एग्जाम पढ़ने से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको मैप दिखा देता हूँ पैटागोनिया क्या है। पूरा देखोगे पैटागोनिया पूरा दोस्तों ये हो जाता है। ठीक है, पैटागोनिया का आप देखोगे तो पूरा पैटागोनिया आपका ये है, और इसमें देखोगे तो ये वाला अर्जेंटीना का पार्ट आ जाता है, इधर नीचे वाला देखोगे तो ये चिली का पार्ट आ जाता है। तो अगर दोनों की बात करें तो चिली की कैपिटल है सेंटियागो, तो ये याद रखेंगे, और अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, तो याद रखिएगा। और फॉकलैंड आइलैंड यहाँ पे है जिसपे यूके का कब्जा है, जो आपका इसके बीच झगड़ा रहता है, अर्जेंटीना और यूके के बीच झगड़ा है। तो ये आप याद रखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कई बार आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे है आपका टेरा डेल फ्यूगे, ये स्टेट है बेसिकली याद रखेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट भी हो जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे। और स्टेट ऑफ मैगेलन यहाँ ही पे है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं स्टेट ऑफ मैगेलन भी पूछा जा सकता है आपसे। और उसके अलावा ठीक है, लगभग सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया। अमेजन रिवर भी यहीं पे है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप जस्ट याद रखें, आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। कैप्टन अर्जुन, तो बस दोस्तों हुआ क्या कि सेंट्रल रेलवे ने दोस्तों रेल यात्रियों कर्मचारियों के लिए COVID-19 से संबंधित स्क्रीनिंग के लिए एक रोबोट तैयार किया है, जिसका नाम ही उन्होंने दिया है कैप्टन अर्जुन। अगर कैप्टन अर्जुन की फुल फॉर्म की बात करें तो ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस, तो इसका मतलब अर्जुन का फुल फॉर्म बेसिकली ये हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट में से थोड़ा सा रिलेवेंट भी हो जाता है और इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में कैप्टन अर्जुन क्या था, बेसिकली एक रोबोट है जो रेलवे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। मंकी पार्क, अभी हुआ क्या कि शरावती पश्चिम जल क्षेत्र है एक्चुअली कर्नाटक में, तो उसमें दोस्तों एक मंकी पार्क बनाने की बात कही जा रही है, या फिर ये कहा जा रहा है कि भैया यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मंकी पार्क बना देते हैं। ठीक है, अब दिक्कत क्या है शरावती में, पश्चिम जल जो शरावती पश्चिम क्षेत्र है एरिया है, ठीक है, बैक वाटर रीजन है, तो उसमें क्यों मना किया जा रहा है या क्यों अपोज हो रहा है कि बंदरों को वहां पे ना स्थापित किया जाए। उसका रीजन सबसे बड़ा दोस्तों मैं बताता हूँ क्या है। सबसे बड़ा रीजन दोस्तों ये है उसका कि जो आपका शरावती पतझड़ क्षेत्र है ना, ये जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी से समृद्ध है। यदि यहाँ पे बंदरों की संख्या बढ़ेगी तो होगा क्या, ठीक है, जो पारिस्थितिक का संतुलन है, मतलब सपोज करो एक जंगल है, ठीक है, अब उसमें 100 शेर रहते हैं, 1,000 हिरण रहते हैं, ठीक है, बाकी कुछ बंदर रहते हैं, मान लेते 100 बंदर रहते हैं, 100 हाथी रहते हैं, ऐसे ही मान लेते 100 जंगली कुत्ते रहते हैं, इतने लोग रहते हैं, ये पूरा सदियों से ऐसे ही रह रहे हैं। अब अचानक से आप क्या करो, इस 100 शेर की बजाय 10,000 शेर छोड़ दो यहाँ पे, तो बताओ पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होगा, जितने भी हिरन वगैरह है ये सब सब खत्म हो जाएंगे, तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो संतुलन के लिए दोस्तों दोनों चीजें हमारे लिए आवश्यक है, हर चीज का एक रेशियो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लाइफ में भी और हर जगह भी, तो ये बेसिकली चीजें याद रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम बंदर ज्यादा वहां पे कर देंगे तो हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यही है दोस्तों कि जो बंदर हुआ क्या था, कर्नाटक सरकार ने लगभग 6.25 करोड़ का बजट आवंटित किया कर दिया 2021-22 के लिए कि हम मंकी पार्क स्थापित करेंगे, इसमें जो है विरोध होने लगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसी वजह से चर्चा में था। ठीक है, तो बेसिकली चीज़ याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ये सारा एरिया है। ठीक है, तो बेसिकली ये है आपका शरावती। अब कर्नाटक की चर्चा हो रही है तो कर्नाटक के बारे में पढ़ ही लेते हैं। कर्नाटक के अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें तो देखो, एक तो गोवा से बॉर्डर लगता है, उसके ऊपर देखो तो महाराष्ट्र से बॉर्डर लगता है। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, तेलंगाना बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, इधर केरला। अब देखो कि 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये आपका सॉरी ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 राज्यों से आपका बॉर्डर लगता है। कर्नाटक के कैपिटल की बात करें तो क्या है, कर्नाटक के कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेशनल पार्क वगैरह की बातें करें तो कौन कौन से नेशनल पार्क है यहाँ पे, तो बांदीपुर नेशनल पार्क, कुद्रेमुख, नागरहोल, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, अंसी नेशनल पार्क, बनेर घाट, ठीक है, बनेरू घट्टा भी बोलते हैं, तुंगभद्रा, सोमेश्वर और भद्रा। ठीक है, स्टेट ऑफ गुजरात 1 नवंबर 1956 में मिला था, कैपिटल इसकी बेंगलुरु है। एक झील है बेलांदूर, याद रखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व भी यहाँ पे है, 1986 में बना था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। बेसिकली इसमें 3 राज्य आते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला। ठीक है, नीलगिरी तहार के लिए बेसिकली फेमस है। इसमें जो 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 नेशनल पार्क आते हैं याद रखिए, वायनाड आ जाता है, नागरहोल, बांदीपुर, मुद्दुमलाई, नीलांबू, साइलेंट वैली। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि जो लोकेशन वाइज कौन इस अगर पूछ देगा ऐसे कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं, तो ऐसे यूपीएससी डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है,
सेंट काकूद्वीप किस सागर में स्थित है? ठीक है, तो ये देखो मैंने पढ़ाया नहीं था, मैंने इसलिए जानबूझ के इसको ऐड किया है। ठीक है, तो ऐसे यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सेंट काकूद्वीप किस एरिया में है। बेसिकली दोस्तों ये पूर्वी चीन सागर में है सेंट काकूद्वीप। ठीक है, तो सेन काकूद्वीप की बात करें तो पूर्वी चीन सागर में है, और ये पूर्वी चीन सागर किधर आता है, जो ताइवान वाला इलाका आ जाता है ना। ठीक है, तो उसके ऊपर आपका सेन काकूद्वीप आ जाता है। सेन काकूद्वीप की अगर बात करें, देखो अगर ये इसके नीचे यहाँ पे आता है साउथ चाइना सी आ जाता है, ये वाला आपका आ जाता है ईस्ट चाइना सी। तो हमने पूर्वी चाइना ही तो बोला था। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है पूर्वी चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो सेन काकूद्वीप यहाँ पे है। ठीक है, तो ये बेसिकली याद रखिएगा सेन काकूद्वीप ये है। ठीक है, ये यहाँ पे है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, तो ये चर्चा में बहुत ज्यादा रहता है, डिस्प्यूटेड एरिया है थोड़ा सा। चाइना कहता है हमारा रीजन यहाँ तक है। ठीक है, उसके बाद जो है जापान कहता है हमारा रीजन ये यहाँ हमारा ये है। अब देखो ये कह रहा है कि हमारा रीजन यहाँ तक है, एक कह रहा है हमारा रीजन यहाँ तक है, तो लड़ाई तो होनी जाहिर सी बात है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्या होगी, लड़ाई इसमें होगी ही होगी। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा चर्चा में रहता है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। देखो यहाँ तक तो इनका, ये अब ये ब्लू वाली लाइन देख रहे हो, जो ब्लू वाली लाइन है ये चाइना कहता है, जापान कहता है ये हमारा है, और ये रेड वाली लाइन चाइना कहता है ये हमारा एरिया है। तो एरिया को लेकर डिस्प्यूट रहता है, तो इसमें सेंकाकू द्वीप बेसिकली, अगर इसमें जापान का ही अभी इस पर कब्जा है, बट ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। ठीक है, तो ये बेसिकली चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, तो जो आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक, तो आज की वीडियो बस दोस्तों इतने ही रखते हैं। जब एनसीईआरटी का पैक लेना होगा हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर देंगे हमें 8848 3835 पे। वार्षिक का कोर्स चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अदर कोर्सेज आप ज्वाइन करना चाहते हो, एक एक करके सारे कोर्सेज आप हमारे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतने रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।